उसको ग्रीस मेन लेट सिटी जंक्शन से 39 आप जाकर आपके होंगे। असली लेने का कार एकदम होता है ये बाथरूम वाले दोस्तों ये सिटी लोगो शर्ट खड़ी है सिद्धि जी कोटक में। पैर मेंटेनेंस मशीन भी खड़ी है। GU20 4557 खड़ा है। उसने हमारी ट्रेन को लीड किया था कोटा से लेकर सिटी जंक्शन तक। अब सिटी से आज क्या लीड है वो अभी आगे आगे जाके बताऊंगा आपको। दोस्तों अपने मुकर्रर वक्त से आधा घंटा लेट 39 अब जाफर एक्सप्रेस डेरा मराज जमाली पे प्रवेश बना रही है। 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पे। ईटों के पुराने मकान चेक करें आप लोग। आगे क्वेश्चन दोस्तों डेरा मराज जमाली ये बलोच कबायल है जमाली उनके नाम पर बनाया गया ये। ये ठंडे पानी का स्टॉल भी लगा हुआ है यहाँ पर। मुकर्रर वक्त से आधा घंटा डिले पे 39 आप जाफर एक्सप्रेस डेरा मराज जमाली पे पहुँची है। नेक्स्ट स्टॉल है उसका डेरा अला यार आधे घंटे बाद आएगा। 2 मिनट के होल्ड के बाद डेरा मराज जमाली से डिपार्ट हो रही है 39 आप जाफर एक्सप्रेस। अपने मुकर्रर वक्त से तकरीबन 30 मिनट डिले के साथ चल रही है। चढ़ गए होंगे किसी डब्बे में मुझे तो नहीं लगता।
दोस्तों ग्यारह मार्च जमाली का चौथा वा शहर है। दोस्तों हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है डेरा मराज जमाली, छोटा सा स्टॉप है ये। डेरा वाला यार भूल गया था, इससे पिछला रश चेक करें आप डेरा वाला यार में कितनी है। ये जो है बलूचिस्तान का लास्ट शहर है और सिंध का पहला शहर, तकरीबन बॉर्डर है सिंध और बलूचिस्तान का। अपन करारा वक्त से तकरीबन 15 मिनट डिले के साथ अप्रोच बनाई है डेरा अला यार पे। तो डेरा अला यार बलूचिस्तान का आखिरी शहर है, इसके बाद एक नहर आएगी, फिर सुबह सिंध शुरू हो जाएगा इसका दूसरा सुबह, जो सातकाबाद तक सिंध में सफ़र करेगी। उसके बाद पंजाब में इंटर होती है और पंजाब में अटक सिटी, अटक खुर्द तक पंजाब में, उसके बाद के पी के में। तो ये वाइट ट्रेन है जो चारों सूबों में घूमती है, 39 अप और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। दोस्तों डेरा अला यार से डिपार्ट हो रही है 39 अप जाफर एक्सप्रेस, सुबह बलूचिस्तान का लास्ट शहर है ये। इसके बाद एक नहर के बाद सुबह सिंध में दाखिल हो जाएगी। अपने मुकर्रर टाइम से 20 मिनट डिले के साथ चल रही है अभी तक डेरा अला यार। दोस्तों ये वो नहर है, अब इसके बाद अब सिम शुरू हो गया, सिम में गाड़ी एंटर कर चुकी है हमारी। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट डिले के साथ 39 अप जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद पे अप्रोच बना रही है। सिंध का पहला बड़ा शहर है ये जैकबाबाद। बड़ा लॉन्ग कर्व है स्टेशन पे, बंदे वहीं से सामान लेके जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अप्रोच बना रही है जैकबाबाद जंक्शन, यहाँ से एक लाइन निकलती है हबीब कोट की तरफ, हबीब कोट लाड़काना दाजू 7 की, इसलिए जैकबाबाद को जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी कसीर तादाद में रश मौजूद है जैकबाबाद में। ईद की छुट्टियों के बाद जो लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, ज़्यादा रश नहीं गए।
जग बाबा जंक्शन ग्रीसमन दुबे के साथ 39 अब जाफर एक्सप्रेस में रुकी हुई है जाफराबाद सॉरी जग बाबा में, तो काफ़ी थकावट होगी, सर में दर्द हो रहा है, साबुन से आदमी धोए, 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप है इंशाल्लाह शिकारपुर। दोस्तों 15 मिनट हॉल्ट के बाद 39 अब जाफर एक्सप्रेस जग बाबा जंक्शन से निकली है। बहुत बड़ा यार्ड है जग बाबा का, आप चेक कर सकते हैं, दूर दूर तक लाइन ही है। बारह लाइनों का यार्ड है तकरीबन ये, सामने है जग बाबा लोको शेड भी है जहाँ दो खड़े हुए हैं GMU-15 आई थिंक 48 वाले ही होंगे। दोस्तों शेड में खड़ा हुआ है GMU-15-4804, उसके साथ दूसरे खड़ा हुआ है 4807 GMU-15। साउथ केबन 1957 में बिल्ड हुआ था जग बाबा जंक्शन। दोस्तों आबाद को स्किप किया अभी हमने, thank you।
दोस्तों 20 मिनट लेट के साथ 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस शिकारपुर पे अप्रोच बना रही है। शिकारपुर पे रश बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं शिकारपुर पे रश। दोस्तों 20 मिनट मिले के साथ 39 आप जाफर एक्सप्रेस शिकारपुर पे पहुंची है। इसका नेक्स्ट हॉल है इंशाल्लाह सकर, तकरीबन एक घंटा लगेगा सकर तक। दोस्तों 5 मिनट के हॉल के बाद शिकारपुर से निकल चुकी है 39 आप। शिकारपुर का अचार बड़ा मशहूर है। दोस्तों 25 मिनट लेट के साथ 39 अब जाफर एक्सप्रेस सकर पे पहुंची, अभी 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है इसका रोड़ी जंक्शन। दोस्तों अयूब ब्रिज से पास हो रहे हैं इस टाइम अभी। दोस्तों ये लैंस डाउन ब्रिज जो सक्कर के दरिया पे बना हुआ है, लैंस डाउन। सामने रोड भी है साथ साथ, ऊपर मारो ना ऊपर। दोस्तों 30 मिनट डिले के साथ 39 अब रोड़ी जंक्शन पे अप्रोच बना रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अप्रोच बनाई है 39 अब जाफर ने। यहाँ 25 मिनट का हॉल्ट है इसका। यह है मेरी आज की फाइनल डेस्टिनेशन।